बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगर कोकी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फैमिली, आज का ब्लॉग भी हमें नीचे से स्टार्ट करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ऊपर से स्टार्ट करती हूँ तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारी जो छत का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी मैं नीचे से, और जब हम नीचे से ऊपर छत की तरफ चलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को काम भी बताते चलूंगी साथ के साथ कि काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, और साथ ही में फिर हम लोग चलेंगे अपने बर्ड्स की तरफ। तो फटाफट के अंदाज में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर। तो फैमिली, हमारी जो छत का काम है आप लोग देखिए, पहले तो यहाँ पर पूरा ये जो है इन्होंने बांस और बल्ली वगैरह जो भी इनको बोलते हैं ये सब कुछ यहाँ पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी अभी स्पेस नहीं है, कितना ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ है। और नीचे से तो पूरी क्लीनिंग हो गई है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। और ये ऊपर देखिए, और हमारे जो पिजन्स हैं वो वहाँ पर सभी के सभी, ये बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं वैसे ही, फैमिली आप लोग जानते ही हैं। और फीड मैंने इनको यहाँ ट्रे में दे दी थी मॉर्निंग में, तो इन्होंने यहाँ से फीड ले ली थी। पानी मैंने वहाँ पर रख दिया था इनके लिए। और गाइज, ये जो आप लोग देख रहे होंगे ऊपर हमारा जो पिजन सेटअप के ऊपर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा स्पेस का, ये मैंने स्पेशली बनवाया है ताकि जो हमारे पिजन्स वगैरह हैं उनका जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है कुछ भी, जैसे कि वो छोटे छोटे केजेस हुए या कुछ भी, तो हम उनको ईजिली वहाँ पर रख सकते हैं। तो बाद में इसको अच्छे से कवर करा देंगे। अभी ये वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी जगह इसके लिए छोड़ दी है, तो ये पूरा भी यहाँ से हो जाएगा। और बाकी ये देखिए पूरे में अभी ये सब यहाँ लगा हुआ है। और फैमिली, ये वाली जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारी जो ऊपर वाली छत होगी उस पर जाने के लिए ये जीने हैं जो कि यहाँ पर अभी सेट होने हैं। तो इन्होंने ये सब तो यहाँ पर लगा कर रख दिया है अभी, तो ये सब इन्होंने कल यहाँ पर सेट कर दिया था। और अब जीनों की भी तैयारी होगी साथ में, जिससे कि हम अपनी ऊपर वाली छत पर यहाँ से जा सकते हैं। और साथ में ये सब इन्होंने यहाँ सेट कर ही दिया है, तो अभी लैंटर की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो फैमिली, ये सब तो इन्होंने यहाँ पर अभी सेट कर दिया है, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कैसे हो रखा है। और रही लैंटर की बात, तो ये भी लैंटर की तैयारियाँ चल रही हैं, तो ये सब इन्होंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और या तो फिर ये कल में या परसों में, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कल या परसों कब, लेकिन अब ये डायरेक्टली लैंटर यहाँ पर मतलब डलेगा। और पहले यहाँ पर जीने बनेंगे, लैंटर से पहले शायद जीने बनेंगे मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि फिर ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी, तब जब लैंटर डलेगा तो ऊपर चढ़ने में इन लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पहले ये जीने सेट करेंगे। जब यहाँ से जीने पक्के हो जाएंगे उसके बाद ही लैंटर डालेंगे। तो अभी बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो धीरे धीरे काम भी सब होता जाएगा। और इन सबको देख लीजिए, सोच रहे हैं पता नहीं इसने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है। अच्छा भरा, पहले हम यहाँ पर घूम लिया करते थे, यहाँ पर फीड ले लिया करते थे, और अभी इसने पता नहीं सब में क्या करके रख दिया है। तो कोई नहीं, कुछ ही दिन की बात है, इन्हें कौन समझाए पर ये बात कि उसके बाद फिर इनको मजे ही करने हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने बर्ड सेटअप में, क्योंकि वहाँ देख लेते हैं वहाँ कुछ क्या नया देखने के लिए मिलेगा हमें, तो वहाँ चलते हैं अब। इसको खोलते हैं यहाँ से, ये जो इसका लॉक है ये मैंने सुबह खोल दिया था जब मैं इनको फीड देने के लिए आई थी यहाँ पर। और ये देखिए फैमिली, लॉन्ग टेल बर्ड हमारी फिर से निकल गई हैं। ये बार बार पता नहीं कैसे अपने केस से बाहर आ जाती हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कहाँ से ऐसा खुला रह जाता है। या तो पानी जहाँ पर मैं रखती हूँ, और या तो फिर हो सकता है कि जहाँ पर इनकी फीड वगैरह मैं रखती हूँ वहाँ से कहीं ना कहीं इनको थोड़ी जगह ऐसी मिल जाती है जिससे ये बाहर निकल जाती हैं। तो एक बार मैं लाइट ऑन कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ पर अंधेरा है, क्योंकि यहाँ से पूरा कवर है और अभी बाहर भी ये सब यहाँ से बंद हो गया है, तो इस वजह से यहाँ अंधेरा हो रखा है। देखिए अब वहाँ पर जाकर बैठ गई उस वाली बास्केट में, अपने आप ही बाहर निकल जाती है ये। और फैमिली, आज ना मुझे आप लोगों को दिखाना भी है, क्योंकि अभी जब मैं मॉर्निंग में आई थी तब मैंने उसको ध्यान दिया है, तो लेकिन हाँ ये थोड़ा सा पता करना मुश्किल हो रहा था मॉर्निंग में तब कि मतलब इसमें से ये फीमेल है या कौन है, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि हमारे जो देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं ये जावा स्पैरो बर्ड्स हैं और ये इनके बच्चे। तो हमारा जो इससे पहले एक बच्चा निकल कर आया था जावा स्पैरो का, ये देखिए वहाँ पर बैठा हुआ है,
तो ये बच्चा अभी बड़ा हो गया है और इसका कलर भी क्लियर हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये होते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखिए मतलब इस तरह से होते हैं। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कौन से वाले बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, क्योंकि एक बात और बता देती हूँ फैमिली, जावा स्पैरो बर्ड्स अभी हमारे पास सिल्वर में भी हैं और वाइट में भी हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मैं ये अपने सेटअप पर लेकर आ गई थी तो फिर मैंने इनको ऐसे ही फ्री कर दिया था, तब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिल्वर जावा भी हमारे पास है, वाइट जावा भी है, और ग्रे वाली तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो हमारे पास पहले से ही थी। और तो ये देखिए यहाँ पर अभी सभी की सभी जावा स्पैरो बर्ड्स हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, और ग्रे वाली जावा का जो पहला बच्चा एक निकल कर आया था जिसका नाम हम लोगों ने जॉन रखा था, तो जॉन देखिए अभी यहाँ पर बैठा हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ, तो जॉन का कलर अभी क्लियर हो गया एकदम से, और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो वही इसका कुछ ऐसा कलर था ग्रे ग्रे डार्क सा, और फिर अभी धीरे धीरे क्लियर हो गया है, तो ये अभी पूरा का पूरा बन गया है। और बाकी देखिए सभी वहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सभी जावा स्पैरो बर्ड्स हमारी वहाँ बैठी हुई हैं, और इनको देख लीजिए वहाँ पर, ये देखिए जैक और जैनी वो वहाँ जाकर बैठ गया, और वहाँ बच्चों के पास है, ये बच्चे भी धीरे धीरे अभी बड़े हो गए हैं और जल्दी ये खुद से ही मतलब नीचे आ ही जाएंगे, और सारी फिंचेस बाकी वहाँ भी बैठी हुई हैं कुछ, और बजीज को देखिए, बजीज की पूरी मस्ती चल रही है अंदर, क्योंकि अभी स्पेस पहले से ज़्यादा हो गया है, पहले नीचे नीचे परेशान होते रहते थे, तो अभी अच्छा खासा स्पेस इनको मिल गया है। और इधर हमारी बेंगोलिन फिंचेस कुछ यहाँ बैठी हुई हैं, और ये कुछ बाकी बर्ड्स हमारे अंदर हैं, कुछ इसके अंदर भी रखी हुई हैं मैंने अपनी बेंगोलिन फिंचेस, यहाँ पर भी हैं, और इसको देखो वो वहाँ मिट्टी खाने में लगा हुआ है गमले में, और एक ही यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसको देखो इस बार बच्चे सिल्वर ही निकल कर आए फैमिली। सिराजी के दो सिल्वर बच्चे तो सिल्वर एंड वाइट हमारे पास पहले से ही थे, और इस बार भी फिर एक जो एक बच्चा और, क्योंकि एक ही तो डेथ ही हो गई थी, तो एक बच्चा जो निकल कर आया था वो भी सिल्वर एंड वाइट कलर में ही है, तो ये देखिए वहाँ पर बैठा हुआ है वो रहा, और ये हमारी झुमरी यहाँ बैठी हुई है, और इसका एक बच्चा ये यहाँ पर बैठा हुआ है इसकी जो फैमिली नेक है पीछे से देखिए ब्लैक कलर का शेड आ रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, सच में अगर ये फुल अडल्ट जब हो जाएगा तो सच में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है आगे चल के। और ये वाला इसका भी कोई जवाब ही नहीं है, इसका भी देखिए कलर आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर निकल कर आ रहा है ये देखिए ग्रे ब्लैक वाइट सारे कलर इसके अंदर हैं। और झुमरू आज इतनी शांति से क्यों बैठा है देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इतनी आसानी से यहाँ बैठता तो नहीं है, यहाँ पर बच्चे तो मोस्टली बैठे भी होते हैं लेकिन ये यहाँ नहीं बैठता है, तो देख लेते हैं क्या हुआ है इसको। झुमरू, हमारे झुमरू के नीचे तो एग रखे हुए हैं, तो फैमिली यहाँ पर तो कल तक तो कुछ भी नहीं था, कल मैं इवनिंग में जब आई थी यहाँ पर तब मैंने देखा नहीं था, और मॉर्निंग में भी मैं इनको फीड देने के लिए आई थी तब भी मैंने नहीं देखा था यहाँ पर, लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर एग रखे हुए हैं, वो भी दो दो, और हो सकता है शायद एक एग इसका पहले इसने रख दिया हो तो मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी दोनों बच्चे भी बैठ जाते हैं बहुत बार एक साथ, और ये झुमरू दोनों में से कोई भी यहाँ आकर बैठ जाता है, तो शायद मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अभी दूसरा एग भी इसने रख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारे झुमरू की फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और ये देखिए एक एग दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर हमारी झुमरी ने एग रख दी और वहाँ जाकर बैठी हुई है, तभी मैं सोच रही थी कि मॉर्निंग में जब मैं फीड के लिए आई थी तो इतने आराम से यहाँ पर क्यों बैठी हुई, तो ये झुमरी यहाँ पर बैठी हुई थी और साथ में ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही बैठ गए होंगे, उस दिन भी अभी दो तीन दिन पहले पूरी फैमिली यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर बैठी थी, तो तब मैं यही सोच रही थी शायद ऐसे ही बैठे होंगे, लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर इसके एग रखे हुए हैं, शायद ये एक एग इसने पहले रख दिया है और दूसरा वाला एग भी अभी आई थिंक जल्दी में ही रखा है, तो अभी दो दो एग रख दिए इसने, और खुशी इस बात की है कि बच्चे इतने प्यारे निकल कर आते हैं इसके सुंदर सुंदर से, ये हमारे ननकू मनकू को ही देख लो कितने ज़्यादा सुंदर हैं, और अभी ये दोनों एग अभी मैंने यहाँ पर देख लिए हैं, तो देखते हैं इस बार कैसे बच्चे निकल कर आने हैं। और ये रहा शैतान यहाँ पर, ये रहा मनकू, ये यहाँ बैठा हुआ है, ननकू वहाँ पर बैठा हुआ है,
और एक ही बजी यहाँ पर निकल गया था, ये नाइट से निकला हुआ है और अभी तक अंदर गया नहीं है। अगर कोशिश करेगा ये वहाँ तक चला जाता है अगर, तो फिर मैं धीरे से गेट खोल दूँगी और ये अंदर चला जाएगा अपने आप ही। और बाकी बर्ड्स यहाँ बैठी हुई हैं झूले के ऊपर, डायमंड डव्स ज़्यादातर बैठी रहती हैं यहाँ पर, और ये नीचे आ गया है उतर के, अभी अभी आया। और वो देखो वहाँ से कैसे देख रहा है, झांक रहा है, जैसे क्रो का कलर होता है ना सेम वैसे ही कलर है इन दोनों का, बिल्कुल मतलब एकदम डार्क ब्लैक से और सच में बिल्कुल काले काले निकल कर आए हैं। माँ बाप तो देखिए ऐसे नहीं है दोनों के दोनों, ये भी अच्छे लगते हैं वैसे, कोई इनकी इनकी भी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, लेकिन बच्चे क्या दोनों के दोनों काले काले निकल कर आए हैं। और हाँ फैमिली, मुझे एक बात और आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि हमारी जो पिजन्स की पेटी है, इनके जो लॉफ्ट होते हैं उसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब काले काले से। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी बताया था कि ये गंदगी की वजह से जब बीट ज़्यादा बीट की जो लेयर इकट्ठी हो जाती है तो तब ये कीड़े आते हैं। तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने लगी हूँ, तब भी ये कीड़े आते रहते हैं, तो पता नहीं क्यों आते हैं। और फिर मुझे डर रहता है कि ये कहीं छोटे छोटे बेबीज को और पिजन्स को परेशान ना करें, उनको मतलब इंजर्ड ना कर दें, तो इस वजह से बहुत बार ऐसा हो भी चुका है पहले। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो इनको परमानेंट भगाने का, कि ऐसा मैं क्या ही करूं जिससे कि ये पिजन्स के लॉफ्ट से बिल्कुल मतलब भाग ही जाएं और फिर अच्छे से हमारी जो लॉफ्ट हैं वो क्लीन क्लीन अच्छे से रहें, क्योंकि बहुत गंदे से लगते हैं, इरीटेट करते हैं एकदम, हमें अच्छा नहीं लगता है तो पिजन्स को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो ज़रूर बताइएगा आज कमेंट्स में। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पर ओवर करते हैं, कल मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय एंड टेक केयर।